वेलकम टू जावा टेक ट्यूटोरियल के जो जावा ट्यूटोरियल के पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो है जावा में जो है मॉडिफायर्स क्या होते हैं, यानी कि जावा में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है क्लास, और क्लास के अंदर हमने डाटा टाइप्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स थे उन सबको कवर कर लिया है। तो क्लास का जो दूसरा टॉपिक्स है वो है मेथड। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे मेथड क्या होता है और उससे कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि मेथड क्या होता है। सो लेट स्टार्ट। मेथड मेथड इज़ अ यूज टू एक्सपोज द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मेथड क्या करता है, एक्सपोज करता है किस एक्सपोज करता है बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट के जो है बिहेवियर को मेथड क्या करता है, एक्सपोज करता है। ये होगा पहला पॉइंट कि मेथड जो है एक ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को एक्सपोज करता है। और दूसरा पॉइंट है मेथड मस्ट है एन एक्सेस मॉडिफायर, मतलब मेथड जब हम बनाते हैं तो उसमें एक्सेस मॉडिफायर होना मस्ट है, ज़रूरी है, चाहे वो प्राइवेट हो, डिफॉल्ट हो, प्रोटेक्टेड हो या पब्लिक हो, मतलब कोई ना कोई एक्सेस मॉडिफायर उसमें मस्ट है लगाना जब हम मेथड को क्रिएट करते हैं। तो मेथड का थर्ड पॉइंट है मेथड हैज़ ऑप्शनल टू यूज़ नॉन एक्सेस मॉडिफायर, मतलब कि एक्सेस मॉडिफायर तो मस्ट था। और मेथड का तीसरा पॉइंट ये है कि मेथड में जो है नॉन एक्सेस मॉडिफायर जो है वो ऑप्शनल है, मतलब अपनी ज़रूरत के अनुसार आप इसको यूज़ कर सकते हैं मेथड में, और यदि इसकी ज़रूरत ना हो तो इसको यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि ऑप्शनल है। मेथड में नॉन एक्सेस मॉडिफायर जो है वो ऑप्शनल है, और जो है एक्सेस मॉडिफायर वो क्या है, मस्ट है। तो मेथड का थर्ड पॉइंट है मेथड मस्ट है रिजेंबल नेम शुड बी इन कैमल केस, मतलब मेथड में क्या होना चाहिए, जो नाम हम लेते हैं वो क्या होना कैमल केस में होना चाहिए। कैमल केस का मतलब होता है जैसे इफ़ अ नेम इज़ हैविंग मल्टीपल वर्ड्स द फर्स्ट लेटर इज स्मॉल देन कंसेक्यूटिव वर्ड आर ज्वाइंट विथ द फर्स्ट लेटर एज अ कैपिटल केस, मतलब जो हमारे दो चार मल्टीपल मतलब वर्ड्स जो है ज्वाइंट रहते हैं उनका जो है पहला तो जो वर्ड है वो स्मॉल में रहना चाहिए, बाकी के जो आगे के वर्ड रहते हैं वो कैपिटल लेटर में होने चाहिए, यही मतलब होता है कैमल केस का। तो मेथड में जो रिजेंबल नेम होते हैं वो क्या होते हैं, कैमल केस में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड, यानी कि मेथड दो प्रकार के होते हैं, पैरामीटराइज मेथड और नॉन पैरामीटराइज, ये दो प्रकार के मेथड होते हैं जावा में। तो देखते हैं कि पैरामीटराइज मेथड क्या होता है और नॉन पैरामीटराइज मेथड क्या होता है। सो पहले देखते हैं पैरामीटराइज मेथड। व्हेन यू वांट टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र वी ऑलवेज प्रेफर पैरामीटराइज मेथड, मतलब जब हम इनपुट जो है वो यूजर से लेते हैं, जब हम अपना इनपुट यूजर से लेते हैं तो वो ऑलवेज क्या प्रेफर करता है, वो पैरामीटराइज मेथड को प्रेफर करता है, मतलब वो पैरामीटराइज मेथड होता है। When you don't want to take input from user, we always prefer non-parameterized method. मतलब जब हम जो है input जो है user से नहीं लेते हैं तो हमें क्या prefer करता है, हमेशा वो non-parameterized method को prefer करता है, मतलब जब हम user से input नहीं लेते हैं तो वह क्या होता है, non-parameterized method होता है। तो we can define into in a two way, मतलब मेथड को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, पहला स्टैटिक और दूसरा नॉन स्टैटिक, मतलब ये दो वे होते हैं मेथड को डिफाइन करने के, पहला होगा स्टैटिक दूसरा होगा नॉन स्टैटिक। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि मेथड क्या होता है और मेथड कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में भी हमने थोड़ा बहुत जाना है। बाकी की चीज़ें हम जब प्रोग्राम करेंगे तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी कि इसका मतलब क्या होता है, उनका यूज किस प्रकार हम अपने प्रोग्राम में करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो है क्लास के अंदर जो है कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।